First of all, I would like to thank RDF management for inviting me and for speaking on such a sensitive and much needed issue of today's world, that is water. And before proceeding to further discussion, कुछ थोड़े से स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. जिस तरह आपको सबको पता है कि SDG 6 इसको एड्रेस कर रहे हैं, हमारे वाटर इशू को इंटरनेशनल लेवल पे. और SDG 6 जो उस डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं इसको, के टू एंश्योर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो, चूंकि सिर्फ हम वाटर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस पर थोड़े से स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. इसमें अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे, पाकिस्तान के हवाले से अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स देखें, तो यूएन के SDG डेटा पोर्टल पे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. क्योंकि हर SDG के, आपको पता है कि अगेंस्ट कुछ टारगेट्स हैं और उन टारगेट्स के अगेंस्ट कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि उस SDG को जब आप मेजर कर रहे होते हैं तो वो इंडिकेटर्स को आप देख रहे होते हैं. तो उन इंडिकेटर्स में जो वाटर के इंडिकेटर्स हैं उसमें ड्रिंकिंग वाटर जो इस वक्त सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो 74% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो यूज़ कर रही है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जबकि पाकिस्तान में ये फिगर जो है वो सिर्फ 36% जो पॉपुलेशन है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो यूज़ कर रही है. इसी तरह अगर हम वाटर क्वालिटी की बात करें तो 60% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड 60% जो दुनिया के वाटर बेसन्स हैं वो, उनकी अच्छी है, गुड क्वालिटी वाटर है. लेकिन पाकिस्तान के अगर हम रेफरेंस से बात करें तो पाकिस्तान में इस किस्म का कोई डाटा हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है, जो नहीं रिपोर्ट हुआ अभी तक. वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो 54% जो है वो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जबकि पाकिस्तान में 56% हो रहा है. ट्रांसबाउंड्री बेसन्स की अगर हम बात करें तो 58% ट्रांसबाउंड्री बेसन्स जो हैं उनके पास अच्छे जो ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स हैं उनको यूज करने के, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है. सिमिलरली कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो 8.7 बिलियन जो है इस वक्त तक ग्लोबली वाटर एंड सैनिटेशन पे इन्वेस्ट हो चुका है, जबकि पाकिस्तान में 1.65 मिलियन जो है वो वाटर एंड सैनिटेशन पे इन्वेस्ट हो चुके हैं. जैसा कि मुनीर साहब ने बात कर चुके हैं इंडस बेसन के ऊपर, और इस वक्त जो 96% पाकिस्तान का जो रिवर इंडस बेसन के ऊपर हमारा डिपेंड कर रहा है, और उसमें मुझे चूंकि रूरल एरियाज में जो के सैनिटेशन सॉरी वाटर के जो इश्यूज हैं उस पे कहा गया बात करने का, तो रूरल पॉपुलेशन इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी 62 से 65% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है पाकिस्तान की. और सिमिलरली 65% अगर हमारी पॉपुलेशन है तो उसी हिसाब से हमारा वाटर यूजेज भी होगा. तो उसमें अगर हम बात करें कि वाटर सोर्सेस क्या क्या हैं रूरल पॉपुलेशन के लिए, तो वो तीन चार किस्म के हैं. आप सबको पता है सरफेस वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, रेन वाटर है और स्प्रिंग्स हैं. अब ये सारे इन सोर्सेस को चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं और इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं कि क्यों वाटर स्कार्सिटी हो रही है पाकिस्तान में. जैसे कि मुनीर साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान इस वक्त उन तीन कंट्रीज में शामिल हो चुके हैं जो कि वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं और 2025 तक. अब इसमें इश्यूज ये हैं कि रूरल एरियाज में अगर आप देखें तो आपका जो लेबर इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है वाटर को फेच करने के लिए, वाटर क्वालिटी उसकी बहुत ज्यादा पुअर है जो यूज हो रहा है वाटर रूरल एरियाज में. इसी तरह सीजनल स्कार्सिटी आप देखते हैं कि वो ऑब्जर्व करते हैं, अभी जैसे विंटर सॉरी समर जो है वो शुरू हो चुका है, तो ना सिर्फ रूरल में बल्कि अर्बन में इस वक्त ये ज्यादा इशू आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से. इसी तरह ओवर यूज ऑफ वाटर डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम देखें या एग्रीकल्चर लेवल पे भी देखें तो इसका यूज जो है वो बहुत ज्यादा मिस यूज बल्कि हम इसको कहना चाहिए उसको किया जा रहा है. इंक्रीजिंग डिमांड है, डे बाय डे जो है वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ज्यादा है. अब ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के हवाले से अगर हम बात करें तो चूंकि हमारे पाकिस्तान में जो ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, तो
इसलिए रूरल एरियाज में आप देखें या बल्कि अर्बन एरियाज में भी ये इश्यूज हैं कि जिसकी मर्जी है जितने नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स लगा ले, जितने नंबर ऑफ डग वेल वो कर ले, बना ले, जितनी डेप्थ पे लगा ले और जितना मर्जी है उसका वो पानी उसे वहां से पंप कर ले। तो चूंकि ऐसे हमारे कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, तो इस वजह से जो हमारा वाटर डिप्लीशन है वो दिन ब दिन जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। इसी तरह अनट्रीटेड जो वाटर है उसका हमारे पास पाकिस्तान के अगर हम केस में बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान में 1% जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीट हो रहा है, जबकि दुनिया में अगर इसराइल को हम देखें तो 70% इसराइल इज डेजर्ट एरिया, जबकि वो 90% जो है अपना जो वेस्ट वाटर है वो यूज कर रहे हैं, उसको ट्रीट करके वो यूज कर रहे हैं, रिसाइकल करके। सिमिलरली अगर हम सिंगापुर को देखें तो सिंगापुर 40% जो है वो अपना वेस्ट वाटर रिसाइकल करके यूज कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। अगेन अगर एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो 94% जो हमारा वाटर है वो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, और मुनीर साहब ने भी पहले मेंशन किया है जैसे कि उसमें 94% के अगेंस्ट हमारा जो जिन क्रॉप्स के लिए हम यूज कर रहे हैं वहां से कितना हमें 5% जीडीपी हमें जो हम वो से अर्न कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा इरिगेशन सिस्टम तो है हमारे पास, दुनिया का बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, लेकिन वो मेंटेन ना होने की वजह से, उसकी मिसमैनेज की मैनेजमेंट की वजह से वो भी उस तरह उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। तो ये सारे सिचुएशन, ये सारी हालात हैं जो कि इस वक्त रूरल एरियाज जो फेस कर रहे हैं। अब सॉल्यूशंस की तरफ अगर हम जाएं तो सॉल्यूशंस डिफरेंट लेवल्स पे हम बात कर सकते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे है, एग्रीकल्चर साइड पे देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज और सबसे ज्यादा मिस यूज जो है वो वाटर हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें फोकस करने की जरूरत है उसकी वाटर मैनेजमेंट के हवाले से, वाटर कंजर्वेशन के हवाले से। लो वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स हम लगा सकते हैं, ऐसी वैरायटीज हम करें रिसर्च से, हम ऐसी वैरायटीज लाएं जो कि कम पानी पे भी हो सकती हैं। इसी तरह आजकल बल्कि काफी अरसे से आपने देखा है ड्रिप इरीगेशन है, जबकि बहुत से एरिया में अभी भी फ्लड इरीगेशन सिस्टम चल रहा है एग्रीकल्चर के लिए। इसी तरह अगर हम देखें तो जो वाटर पोल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा है रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में भी वाटर जो है वो डिस्पोज नहीं हो रहा सही तरीके से। और इसके साथ साथ अगर हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट का डीकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका यूज करते हैं तो वो सॉइल स्ट्रक्चर को उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ाता है। तो इस तरह के इंटरवेंशन हम करके एग्रीकल्चर साइड पे भी हम कर सकते हैं। इसी तरह डोमेस्टिक लेवल पे उसका वाटर का यूज हम कैसे उसको मैक्सिमम जो है ना उसका यूज कर सकते हैं, मिनिमम उसके वाटर यूज करके। इसी तरह पॉलिटिकल ओनरशिप है सॉल्यूशन उसका हो सकता है, पॉलिसी है बनी हुई है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स बने हुए हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इसके साथ साथ जो बिग सिटीज में आपको सबको पता है जैसे लाहौर में भी हमने देखा है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बने हुए हैं जो कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि इस तरह के अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स मेरा ख्याल है हर शहर में बनाने की जरूरत है, क्योंकि जितना हमारा जो रेन वाटर जो जाया हो रहा है उसको हम हार्वेस्ट कर सकें, उसको हम स्टोर कर सकें। और एक चीज जो अवेयरनेस की बात की है कि अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, तो अभी मेरा ख्याल है अब ये टाइम आ चुका है कि हमने बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन को, हमने इस टूल को बहुत यूज किया है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, राइट्स के लिए, वुमेन राइट्स के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए उसको यूज करते रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब ये टाइम आ चुका है कि हम बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन टूवर्ड्स एनवायरमेंट, टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको हम यूज करें ताकि हम आगे 2030 एजेंडा तो है ही है लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान स्टैंड कर रहे हैं, आप सबको पता है कि जो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज के हवाले से वहां पे पाकिस्तान 8th नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सीरियस थ्रेट बन चुका है हमारे लिए। तो इसको जब तक हम तमाम लेवल्स पे इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो और सबसे ज्यादा कि हमारे बिहेवियर में जब तक चेंज नहीं आएगा, वाटर को हमने यूज कैसे करना है, जैसे मुनीर साहब ने अपने मेड की मिसाल दी तो एग्जैक्ट मेरे जहन में भी अपने मेड के हवाले से आ रहा था कि मेरी मेड जो मेरे घर काम करती थी तो उसका जब तक उसके अपने घर में बोर नहीं हुआ था तो वो पानी बड़ा तरीके से इस्तेमाल करती थी, लाइक मैं उसको देखती थी कि वो बर्तन एक धो के टैप बंद कर देती फिर वो दूसरा।
लेकिन जब उसके अपने घर में बोर उसने बना लिया तो फिर उसने उसका भी बेदरेग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये बिहेवियर चेंज है लाइक, इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। जी एग्जैक्टली, मीटरिंग हो, वाटर मीटरिंग अगर हम स्टार्ट कर लें तो। थैंक यू सो मच, ये मेरी गुजारिशात थी कुछ रूरल एरियाज के हवाले से और वहाँ पे हम इसको कैसे हम इसको इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।